पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षक महापंचायत में की गई घोषणाओं के आदेश जारी करने अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले की अतिथि शिक्षकों ने आज शहर में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 सितंबर 2023 में शिक्षक महापंचायत के दौरान कई घोषणाएं की थी, लेकिन आज तक उनका आदेश जारी नहीं हुआ है। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि 4 सितंबर 2024 तक महापंचायत की घोषणाओं का आदेश और समस्याओं का तत्काल निराकरण नहीं किया जाता है तो 5 सितंबर 2024 को शिक्षक के अवसर पर प्रदेश के अतिथि शिक्षक तिरंगा यात्रा लेकर मुख्यमंत्री निवास जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर महेश्वर वंशी है। मैं एमएस पचावला कोलार ब्लॉक से मैं अति शिक्षक हूँ। तो सर 2008 से हम अभी तक कार्य कर रहे हैं, आप लगाइए सर कितने साल हो रहा है। ये मान के चलो अभी तक हमारे लिए गवर्नमेंट ने इतना कि हम एक दिन की छुट्टी, अगर हम बीमार हो गए तो एक दिन की छुट्टी लेकर हम इलाज भी करवा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। प्रवाही लोग बोलते हैं हमसे कि आपके लिए छुट्टी नहीं है, आपके लिए गवर्नमेंट ने छुट्टी नहीं दी, आप नहीं जाओगे, आप स्कूल पर रहोगे। और सर आप ये बताइए, अब हमारा खून तो गया, अब हड्डी है उसका हम क्या करें? यही तो बताइए, हमारा हमने खून तो दे दिया गवर्नमेंट अतिथि में, अब हम कहाँ जाएंगे सर? क्या चाहते हैं फिर आप? जो पूर्व सीएम साहब ने जो घोषणा की है उनको अमल में लाया जाए साहब, और हमारा नियमित पालन किया जाए। तो सीएम साहब ने जो आपकी घोषणाओं को मान किया गया था, तो इस बार जो यादव जी हैं मुख्यमंत्री जी, वो क्यों मान नहीं कर रहे, क्या कारण है इसका? अब क्या ये तो वही जाने क्यों नहीं, क्या क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने भी बोला था वो उस टाइम पे जब मैं पहले विधायक थे, तो उस टाइम पर उन्होंने लेटर पैड पर लिख कर दिया था कि इनको संविधान शिक्षक बनाया जाए। लेकिन सर अब और एक और समस्या ये है, आज हम अंदर हो रहे हैं तो कल अतिशेष और ट्रांसफर और नए कौन कौन सी प्रक्रिया से परमानेंट टीचर आ जाते हैं, हमको बना रहता है, हमको कब, आज मतलब आज हम हैं कल हमको हमारे को पता नहीं है कल भारत हो जाएंगे हम। और अनुभव के आधार पर परीक्षा ली है हमारे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कांति मोहन बराड़, जिला अध्यक्ष आजाद अतिथि शिक्षक संघ सीपरी। आज आपने पेड़ प्रति हुए जो ज्ञापन दिया है, क्या उद्देश्य है आपका? इसका उद्देश्य ये है कि 2 सितंबर 2023 को जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं के आदेश तत्काल रूप से जारी की जाए। क्या मांगे थी आप? उनमें मांगे जो भविष्य सुरक्षित के लिए थी वो निम्न मांगे थी, जो निम्न अनुसार है। पहली थी कि 1 साल का अनुबंध रहेगा, जो कि आदेश अभी तक हुआ नहीं है। 1 साल का अनुबंध, 12 माह का कार्यकाल, गुरुजी के तर्ज पे अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा रहेगी, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। तीसरी मांग थी कि आपको 50% बोनस अंक दिया जाएगा, जो कि आज तक तत्काल आदेश जारी नहीं किए गए हैं। चौथी मांग थी जो निम्न, तो शिवराज सिंह ने जो आदेश निकाले थे, जो मांगे आपकी मांगनी थी, तो क्या ये यादव जी जो मुख्यमंत्री हैं वो नहीं मान रहे क्या इसको? यादव जी ने जब विधायक थे तो यादव जी ने ये पत्र लिखा था अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर, के अतिथि शिक्षकों को समदा सारा शिक्षक बनाया जाए और उसका भविष्य रक्षा किया जाए, मगर माननीय मुख्यमंत्री बनने पर ये वो घोषणाओं को नकार रहे हैं। इसलिए वर्तमान मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि तत्काल रूप से इन आदेशों को अमल करें। तो कहाँ से कहाँ तक बताए थे आपने? हमने प्यार भरा था माता मंदिर, राजेश्वरी माता मंदिर से कलेक्ट्रेट तक।